प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के जहन में कई तरह के संशय हैं। वे मानते हैं कि प्राकृतिक खेती से फसल अधिक नहीं होती है और उससे फसल में रोग भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन इस बात को क्यारटू गांव के रोहित कौशिक ने पूरी तरह से झुठला दिया है। रोहित 4 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और ना केवल वे खेती कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा फसलों पर छिड़काव के लिए गौमूत्र आधारित दवाइयां भी तैयार की जा रही हैं, जिसकी वजह से जहां एक ओर वे फसल से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं वहीं प्राकृतिक दवाइयों को बेचकर भी लाभ पा रहे हैं। वे अपने क्षेत्र में इतने लोकप्रिय किसान बन चुके हैं कि उनकी सफलता को देखकर कृषि विभाग, नौणी विश्वविद्यालय, रेड क्रॉस सोसाइटी, कृषि उपज मंडी सोलन से कई बार वे सम्मानित भी हो चुके हैं। रोहित हिमाचल के साथ साथ पंजाब के किसानों का भी प्राकृतिक खेती के प्रति मार्गदर्शन कर रहे हैं। रोहित कौशिक ने बताया कि वे चाहते हैं कि जिस तरह सिक्किम को प्राकृतिक खेती के नाम से जाना जाता है उसी प्रकार हिमाचल की पहचान भी बने, जिसके लिए वे 4 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे केवल प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी इसके प्रति प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फसल में कीड़ों को भगाने के लिए गौमूत्र युक्त दवा इस्तेमाल करते हैं। ये दवा स्वास्थ्य, सेहत और स्किन के लिए कोई भी दुष्प्रभाव नहीं करती है। उन्होंने बताया कि ये फसल अन्य फसलों की तुलना में 20% अधिक मूल्यवान होती है, इसलिए सभी किसानों को ये छिड़काव करना चाहिए। मैं रोहित कौशिक गांव क्यारटू से किसान और प्राकृतिक खेती कर रहा हूं 2017 से जी, और इसमें जो दवाइयां हैं वो जहर मुक्त सुभाष पालेकर विधि से बनाता हूं, जिसमें कि 2 तरह के कीटनाशक है, 2 तरह के टॉनिक है और 2 तरह की फंजीसाइड है। गोमूत्र पर आधारित खेती है और बहुत अच्छी खेती है। इसमें कीड़े मरते नहीं हैं, कीड़े भागते हैं, फसलों को भी नुकसान नहीं है, सेहत को भी नुकसान नहीं है और स्किन भी ख़राब नहीं होती अगर आप स्प्रे करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहर मुक्त खेती जो है वो गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित खेती है। तो इसमें बहुत अच्छे जो रेट है मार्केट, वो 20% रेट ऊपर सब्जियों का मिलता है। अभी शायद हिमाचल में भी मंडियों में भी इसकी उसको तवज्जो दी जाने लगी है और शायद बहुत जल्दी हिमाचल भी सिक्किम की तरह एक नेचुरल फार्मिंग का एक हब बन जाएगा। जो मेरी दवाइयां हैं ये सुभाष पालेकर विधि से मैं बनाता हूं, गवर्नमेंट लाइसेंस इसका मुझे मिला है और क्यारटू में कंडाहार से 6 किलोमीटर आगे चैल रोड पे मेरी दुकान है जहां पर मैं इसको देता हूं। फार्म पे लोग विज़िट करते हैं, उसको देख के भी दवाइयां लेते हैं और यहां पर भी दवाइयां रखी होती है। जो भी किसान चाहता है रेडीमेड दवाइयां जो बना सकते हैं बनाए, उसके लिए डिपार्टमेंट ट्रेनिंग दे ही रहा है, लेकिन जो ख़रीदना चाहता है वो मेरे पास आ सकते हैं। बहुत कम कीमत पे महज 150 रुपये की 2 लीटर बॉटल जिसमें 7 पंप बनते हैं वो मैं किसानों तक उपलब्ध कराता हूँ, और एक श्योरिटी के साथ कि अगर वो मेरे सुझाव के अनुसार जिस तरह से मैं दवाइयों का छिड़काव करता हूँ हर हफ्ते में उस तरीके से करें तो उसकी 100% श्योरिटी भी देता हूँ कि फसल कीट पतंगों से बचेगी और जो आपका प्रोडक्ट निकलेगा उसको भी मार्केट तक पहुँचाने में पूरी हेल्प करूँगा।